एंड मैथ कॉम्बैट क्वेश्चन नंबर 6। मैं 6 क्वेश्चन में अगेन प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक से क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। तो ये जो बेसिक सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके पास है, वो बेसिक सा क्वेश्चन है क्या? पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन? सी अ पर्सन थ्रोइंग अ डाइस, ओके, अ पर्सन थ्रोइंग अ डाइस, देन द डाइस, इफ आई एम थ्रोइंग द डाइस, देन द सैंपल स्पेस, वी हैव सैंपल पॉइंट्स, व्हाट, 1 और वी कैन से 2, 3, 4, 5, 6, not 7। सो द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स वी हैव दैट इज 6। सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन विद दिस बेसिक कंसेप्ट, अ पर्सन थ्रोइंग अ डाइस, इफ देयर इज अ इवन, ओके, इफ देयर इज अ इवन ही गॉट 2 points, इफ देयर इज अ इवन ही गॉट 2 points, एंड इफ देयर इज अ ऑड, इफ देयर इज अ ऑड ही गॉट 1 points, ओके। So if there is a even, he got 2 points. If there is a odd, he got 1 point. Then you have to find the probability of exactly 6 points. You have to find the probability of exactly 6 points. तो हमको calculate क्या करना है? Exactly 6 points होने की probability calculate करनी है। तो एक simple example लेता हूँ मैं। इसमें combination बनने वाला है। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हैं 6 पॉइंट के बारे में, या तो उसको इवन 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 तीनों बार, मैंने डाइस फेंकाया 4, मैंने डाइस फेंकाया 6, मैंने डाइस फेंका आगे 2, तो 6 पॉइंट तो मेरे ऐसे ही हो गए। तो सेम केस आगे के आपको सोचने हैं, आगे के आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है। यहां पर सैंपल स्पेस हमारे पास है 1, 2, 6, अगर इवन आता है दैट मीन्स 2, 4, 6, अगर ऑड आता है दैट मीन्स 1, 3, 5, बोथ प्रोबेबिलिटी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ even case and odd case is 1/2. That's the hint. Solve this question.